दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट में जिसकी भी कमी है यानी कम नंबर है या फेल हो चुके हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों आज हम बताएंगे कि कब कंपार्टमेंटल का जो है फॉर्म भरा जाएगा, कितने तारीख को भरे जाएंगे और कितना आपके पास टाइम है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बिहार 10th रिजल्ट 2019 11 अप्रैल से भरे जाएंगे कंपार्टमेंटल परीक्षा के फॉर्म, जाने कितनी देनी होगी फीस। तो दोस्तों फीस के बारे में भी आपको यहां पर डिक्लेयर कर देंगे कि कितना फीस देना पड़ेगा। क्योंकि चलिए नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि कितना देना पड़ेगा। तो जिस तरह से यहां पर क्या है एक जानकारी अभी देते हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2018 बिहार बोर्ड की माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2019 के लिए परीक्षा फॉर्म 11 अप्रैल से भरा जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इस बारे में जानकारी दी। माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2019 के लिए 11 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों आप नोटिस कर लें कि 11 अप्रैल से यानी आपका टाइम मिलेगा 11 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। तो दोस्तों आपके पास 5 दिन का समय जो है मिला है, तो आप 5 दिन जल्द से जल्द भर लेंगे। क्योंकि अगर नहीं भरेंगे तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा और 1 साल में दोस्तों बहुत टाइम गुजरता है जाने में। तो इसका जो वेबसाइट किस तरह मिलेगी आपको, देखिए जिस तरह से आपको हम बता देते हैं, बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट होगा www.biharboard.online से परीक्षा फॉर्म डाउनलोड करने के बाद शिक्षण संस्थाओं के प्रधान बच्चों को फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे और विद्यार्थियों के लिए फॉर्म भरे जाने और परीक्षा शुल्क देने के बाद 11 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच ऑनलाइन जमा कर दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि जिन बच्चों को लगता है कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2019 के अंक कम आए, वो परीक्षा स्क्रूटिनी के लिए 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम अच्छा लिखे हैं और मेरा नंबर कम आया तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं स्क्रूटी के लिए, आपकी कॉपी दोबारा जांच की जाएगी। तो इसका जो है इसका कितना पैसे लगेगा, आपको कितना फी लगेगा, विद्यार्थियों को प्रति विषय यानी प्रति विषय के 70 रुपये लगेंगे। और आप अगर मान लिए 5 विषय में अगर भरना चाहेंगे तो 5 विषय को आप 5 विषय को भर सकते हैं, 5 विषय का जो है भर सकते हैं और आपका 70 रुपये करके पर फी, यानी अगर 5 सब्जेक्ट का भरेंगे तो 7×5=35 यानी 350 रुपये भुगतान करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और